हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। कैसी आवाज है? अरे कोई नहीं है, मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। क्यों सर, आखिर हुआ क्या? वो रास्ते भी कोई खड़ा है? सर कोई भी नहीं है वहाँ। रे अच्छे से देखना। नहीं सर, वहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ। अरे सर क्या बात है सर, क्या हो गया? कोई लड़की गाड़ी के सामने आई थी सर, वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे तो बीच उतार के सर, कोई नहीं है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, देखता हूँ देखता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। यहाँ पे कोई भी नहीं है सर, आकर आप देख लीजिए। सर आप भी देख लीजिए। देखिए सर, आप क्या देख लिए? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा सर। आपको आखिर हुआ क्या है सर? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आपकी तबीयत तो ठीक है ना सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है सर, ठीक है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलो 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 यहाँ से। चलिए सर, चलिए चलिए, बैठिए बैठिए सर, बैठिए। मुझे कुछ तो दिखाई दिया था। क्या हो गया? क्या था? महेश, मैं एक बार अपने डैडी से बात कर लेता हूँ। कर लेना। हाँ है ना। हेलो। हाँ डैड, आज एग्जाम्स खत्म हो गए, मैं अपने फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के साथ ऊटी जाना चाहता हूँ, चला जाऊँ क्या? ठीक है, एंजॉय करो, लेकिन सावधान रहना। हाँ थैंक यू, लव यू डैड। रसगुल्ले को फोन करता हूँ। झलक दिखला जा।
झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा, एक आओ। मैंने चाहा कि नेचर कॉल आ जाए लेकिन ये फोन कॉल आ गया। नेचर कॉल को रोक सकते हैं लेकिन फोन कॉल को नहीं रोक सकते। मोहन सर का फोन है। हेलो। ए रसगुल्ला। हाँ बोलिए सर। मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहा है, तुम भी उसके साथ चले जाओ और जरा उसका ख्याल रखना रसगुल्ले, ठीक है? ये क्या अपने आपको बहुत बड़ा तोप समझ रहा है क्या? इसकी तो इसका बेटा कैसे पास हुआ ये मैं भी जानता हूँ और वो भी जानता है। इसने क्या मुझे अपना एटीएम कार्ड समझ के रखा है क्या? जब देखो घुसाना निकालना करता रहता है। अगर दूसरों के घर के बच्चे इसी तरह पास होते रहेंगे तो घर का गुड़ गोबर हो जाएगा। जब देखो मुझे ऑर्डर देता रहता है, नौकर बना के रखा है। हेलो सर, सुनाई दे रही कि नहीं? अरे कुछ नहीं सर, आपने अभी मुझे जो ज्ञान दिया वो अपने जीवन में उतार रहा था। अभी मैं लघु शंका में हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। पागल, नॉनसेंस, फोन रख। कितनी देर रोक कर रखना पड़ेगा, उससे बाद में जाके मिलता हूँ, पहले मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, अभी तो फोन ही नहीं उठाऊंगा। क्या यार खत्म हो गई? अरे खत्म हो गया इतनी जल्दी? ए, वापस करना, मैंने नहीं देखा था। बोतल खाली हो गई है यार। अच्छा बोतल गया, मुझे लगा मैंने सब कुछ मिस कर दिया। मुझे भी लाइफ में कोई मिलनी चाहिए, ये ड्रिंक के अलावा लाइफ में कोई है ही नहीं, किसी को तो पटाना पड़ेगा। I will get you. Thank you यार। तेरे पास कुछ बचा है? चित्रा जी मेरे पास तो है लेकिन झूठी है, मैं नहीं दूंगा। अबे देना बे। ओके। बेवड़ा कहीं का। अरे ये शैडो मेरे साथ क्यों चल रही है? चित्रा जी एक बोतल मुझे भी दे दो ना। चित्रा जी इतनी घबरा क्यों रही हो? कोई लड़का तुम्हें पटा रहा है तो उसको ना बोल के यहाँ से हटा दो और क्या। मैंने क्या देखा, कार डोर अपने आप ओपन हो गया। इतना ही नहीं, वो खुद से बंद हो गया। क्या कहा? राहुल की कार लेटेस्ट कार है और ऑटोमेटिक भी है, जब वो बटन दबाता है तो रपा 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 खुलती भी और बंद भी होता है। अरे भाई कार का डोर ऑटोमेटिक है तो कोई बात नहीं, लेकिन डोर की जगह बोनट या डिक्की ओपन कर दी तो खराब हो जाएगी ना, उसके बाद स्टार्ट भी नहीं होगी। इतना भी चाबी घुमा कुछ नहीं होगा, चाबी से स्टार्ट नहीं होगी, धक्का मारना पड़ेगा। तुझे ज्यादा चढ़ गई है क्या? अरे मुझे नहीं चढ़ी रे, कार के दरवाजे के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे बहुत देर हो गई, अब जल्दी चलो, जहाँ दारू मिलते वहीं बैठ जाते हो, चलो वरना ढूंढना पड़ेगा। अब चलो चलो, नहीं तो रात हो जाएगी यहीं पे, सब लोग गुम हो जाएंगे। यार तुम लोग भी दारू जहाँ मिल जाती है। अरे हम जब पी रहे थे तो गाड़ी यहाँ थी, वहाँ कैसे चली गई? लगता है कार को भी चढ़ गई, ऑटोमेटिक वहां पर चली गई। देखो ना चल। देखो इनोवा गाड़ी भी आ गई, दिख रहा है मुझे। एट लास्ट। आइए आइए आइए, आप लोग काफी थक गए होंगे ना। बैग मुझे दीजिए। हाँ भाई आ जाओ। फार्म हाउस काफी बड़ा है, बहुत अच्छा है। बंगला तो बहुत बड़ा है। सुपर। ये लड़की कितनी सुंदर है, अगर थोड़ा सा ट्राई करूंगा हो सकता है शायद हाथ में आ जाए, पड़ जाए मुझे। आते ही लाइन मारना शुरू कर दी। अरे बाप रे, बिल्कुल रसगुल्ला जैसा है, खाऊंगा तो मजा ही आ जाएगा। अरे अरे कहाँ जा रहा है? अरे सुनो, अरे ये बैग भी ना। माँ भारी है। आ जाओ आ जाओ। इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, बढ़िया यार। तेरा फार्म हाउस तो बहुत अच्छा है, सुपर। कितना बड़ा है ना? इट्स अ ड्यूप्लेक्स हाउस। ये मुंह
हुआ तो मेरे सामने इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। रसगुल्ला कितना भारी है। ए, मेरा बैग कहाँ है बे? यार मैं अपनी सेटिंग कर रहा हूँ और ये बैग लाने की बात कर रहा है, मेरी सेटिंग बिगाड़ देंगे। अच्छा मैं जाके लेके आता हूँ बैग। जा जाके लेके आ, चल आता हूँ। देखा है तेरी, ये रिजॉर्ट काफी बड़ा है। ला 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 ला, ए, ए, अंदर सब लोग मुझे डांट रहे हैं, बैग लेके अंदर आना चाहिए था ना। क्यों वजन उठाया नहीं जा रहा है क्या तेरे से? सुनो, उठा 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 मत करो, तुझे तो मैं बड़े प्यार से उठा के तड़प मिटा दूंगा, लेकिन तेरे मुंह में बैग नहीं उठाऊंगा। हाँ सुन लो, अरे मुझे उठाना छोड़, बैग उठाने के लिए मर्द होना चाहिए और दम भी होना चाहिए। तो नहीं है। चला जा। बोलता था, निकल गया तो। बैग इतना भारी कैसे हो गया? माले, क्या भर के रखा है इसमें? ए, जरा मुझे उठाना। रुक रुक, मैं राहुल को बुला के लाता हूँ, एक मिनट रुक जा। इधर उधर हाथ मत लगा। डैडी कैसे बैंगलोर में बहुत सारे रिसोर्स हैं। अरे कमाल है यार, तूने बैग में क्या भर के लाया है? इतना वजन लग रहा है उसका, मैं नहीं उठा सकता, तुम ही जाके लेके आ जाओ। ए, क्या पागलों वाली बातें कर रहा है, चल चल के देखते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत भारी है। चल, क्या कर रहा है? देखो खुद ही देख लो कितना वजन है इसका। देखो उठा, जरा उठा के देखो। देखो उठा उठा उठा। इतना जोर से मारा लेके ऐसे, तो मुझे यहाँ हो रहा है। इतना हल्का कैसे हो गया? ओ, अरे रुको मैं आ रही हूँ। स्टुपिड है ये। हाँ बोलो। अरे सब ठीक है मेरे पास, समझे? आप सब लोग बैग लेकर अपने अपने रूम में चले जाओ। चले चले, रूम देखते हैं। खूट है ना, पागल की तरह। चलो। अरे अरे गेम स्टार्ट, सब मरेंगे। अरे मैडम, आपको जो चाहिए होगा ना तो मुझे बुलाना मत, फोन कर देना। बाथरूम रूम में है। मैं कहीं भी रह सकता हूँ, किचन में आ जाऊँ क्या? है? सुनो ना, तुम जरा मेरे कमरे में आओ ना। सिंगल बेड है और डबल मजा करेंगे। आओ ना। सुनिए मैडम, ये मेरे क्रैक कैसे हो रहा है? ये शावर, ये टैप अपने आप चालू कैसे हो गया? अरे यहाँ है, है इस भरी जवानी के लिए तो मैं अपने आप को कुर्बान कर सकता हूँ। ए जानू, तू मेरी जानू, मैं तो तुझे अपनी बना कर रहूंगा। ए जानू, सॉरी ना। अरे यार, हम बैग क्या देख रहे हो? फ्रंट सामने खड़ा है। चुपचाप फोन लगाने को बोला था तो फोन लगाता हूँ, देखता हूँ फोन उठा के क्या बोलती है। हेलो हेलो मिस आशा, रसगुल्ला हियर। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन सूप, पाया सूप, सब कुछ रेडी तो है ही ना?
यहाँ बगल में आकर फोन क्यों कर रहे हो? अरे आपने तो कहा था कि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना, और इसमें तो अनलिमिटेड टॉक टाइम है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो बेबी, आपने मुझे ऐसे यहाँ पे टच करो और मैं ना तुम्हारे लिए हॉट खाना बनाऊंगी, सच में स्पाइसी वाला, सच कह रही हूँ मैं। अरे पका मत, तेरी खिचड़ी पकने वाली नहीं है। चल भाग यहाँ से। हाय राम, अगर मैं ज्यादा देर रुका तो मेरा रेप भी कर देगा तू। अरे मेरी जाने मानी रसगुल्ला। अरे प्लेट गिर गई, वो बैलेंस खो गया। मैं नहीं दूंगा। अरे आज तो इसको पटा कर ही रहूंगा। तुम मत उठाओ, मुझे शर्म आती है, मैं उठाता हूँ। अरे तुम झुक रहे हो तो क्या मैं पीछे से घुड़सवारी करूं? घुड़सवारी की तो फोड़ दूंगा। अरे बाप रे, ऐसा मत करना। आहा, ऊपर एक्सचेंज हो रहा है और नीचे रोमांस हो रहा है। ये कहाँ चला गया, स्पून लेने गया है या कहीं और गया? इसलिए स्पून ढूंढने का नाटक कर रहे थे? अरे 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 मेरा स्पून, मेरा स्पून। अरे उसे जाने भी दो बेबी, तुम्हारा स्पून तो तुम्हारे पास है ना। अरे छोड़। मिस आशा, क्या है? मजा आया ना? मार खा रही है? रबिंग हो रही थी। पहले मजा नहीं आया क्या? पहले रब, बाद में सब। रसगुल्ला, मैं तो खाली हूँ, मेरे दिल की आग जरा शांत कर दे आचा राजा। मिस आशा, रसगुल्ला रुक जाओ ना। मिस आशा, अरे ये तो सो रही है। बाहर तो नहीं है, कोई भी तो नहीं है। ए, आशा, ए, आ, 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 नहीं, आ, आशा। बिखरे बाल वाली कोई लड़की थी। अरे अरे मैं सच बोल रहा हूँ, चलो तुम्हें भी दिखाता हूँ। अरे अरे चलो ना, चलो रुको, दिखाता हूँ। कहाँ कोई है? वहाँ तो कोई दिखाई नहीं दिया। यहीं पर तो थी, मैंने खुद देखा था अपनी आँख से। तुम मुझे हाथ लगाने का बहाना ढूंढते रहते हो ना। अरे मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा। पागल हो गया। अरे वो देख ना, तुझे दिख रहा है क्या? वो देख रसगुल्ला, वहाँ कोई भूत भूत नहीं है। एक बार मेरे साथ कमरे में चलना, तेरा सारा डर निकाल दूंगी मैं। अबे तो चलो छोड़ूंगी, पकड़ के रखूंगी। आजा। अरे सुनो, तुम्हें पता है कल रात को चेयर स्लोली टर्न हुई और सीधा मेरे पास आ गई। क्या मेरे सामने चेयर आ गई तो इतनी डर गई। मेरे सामने तो कल आत्मा आ गई थी।
अच्छा रसगुल्ला ये सब छोड़ो, सुबह सुबह वो तीनों कहाँ गए? वो गांव के सारे भूत भूतनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गए। आपको समझ में नहीं आया ना? नहीं समझोगे, चलो अपनी आंखों से देख लो। चलो यार ये ट्रॉली ट्रैक पर लगा देते हैं। और दादा छोड़ो मुझे, डे का नाइट में और नाइट का डे में शूट करते हो, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? मेरा तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारे सारे काम करके। शॉर्टकट, अरे चल चल रहा है। आप मुझे जानते नहीं हो डायरेक्टर साहब? ए यू, अरे शॉट चल रहा है। जानता कौन हूं डायरेक्टर के बेटे हैं यार, ये लोग बीच में आ जाएंगे तो फोटो खराब हो जाएगी ना। मंत्री जी के इकलौते बेटे हैं, पूरी शूटिंग रुक जाएगी। ठीक है सर, जैसा आप। आप आइए सर, मेरे साथ आइए। आइए चलो, जाओ देखो क्या कर रहे हैं। चल देखते हैं, बैठिए सर। ये राजेश, हीरोइन तो बड़ी हॉट है। मैडम ये सेंट्रल मिनिस्टर साहब के बेटे हैं। हाय, ये राहुल कहीं भी शुरू हो जाता है। यू नो Yeah. Really, I love Bollywood yeah. movies. They are so glamorous after all, and after watching Thank you, you so much. अरे अरे बाबा, मैं वहाँ पर नहीं देख सकता। मुझे क्या करूँ? छोड़ो, मैं वहाँ पर नहीं देख सकता। वो क्या, मैं सिंगल हूँ ना, देखूंगा तो मिंगल हो जाएगा, इसलिए नहीं देख रहा हूँ। चलो तुम लोग ही देख लो, मैं जा रहा हूँ। आखिर चल क्या रहा बताओ? This is my private number. You can call me anytime. ये राहुल क्या कर रहा है वहाँ? मुझे अकेला छोड़कर ये यहाँ आकर बैठा है। तू सही कह रही है, देख लूंगी तुझे मैं। अरे यार शिट, जाके देख, संभाल उसको, मर गए। अरे चल, मुझे यहाँ लाकर उसके साथ बैठा है, तू छोड़ना मत। चलो ओके ओके बाय, सी यू लेटर। ये मैसेज किसने भेजा है? ये लीजिए, थैंक यू। थैंक यू, आप भी लीजिए। ठीक है, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ताजा ताजा जूस पीने के लिए लो, पियो ना। ए पकड़ इसको, थैंक यू। मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं हॉट ड्रिंक पसंद है, तुम तो जानते हो ना। छोड़ उसको, जा, पागल हो गया क्या? लीजिए, आप भी लीजिए। तू बहुत फ्लर्ट कर रहा था। चल बोलो ना, पीछा क्या कर रहे हैं? अच्छा मेरी एड्रेस कैसी लग रही है? मुझे तो अच्छी लग रही है। एक गेम खेले, मैं भी रेडी हूँ। तुम कब रेडी हो? हम एक गेम खेलेंगे। गेम? Sure. और हाँ, हम गेम तो खेलेंगे लेकिन ये गेम बहुत हार्ड है। तुम लोग अपनी अपनी आँखों पर पट्टी बांधो और अपनी गर्लफ्रेंड्स को ढूंढो, और जो जीतेगा वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बोल ड्रेस में देखेगा। वाओ ग्रेट। मैडम ये लोग जीतने वाले नहीं है, हारने वाले। एक बार और, आप भी एक बार गेम खेल लीजिए ना। मतलब मुझे भी एंड्रेस होना पड़ेगा? मैं भी वो सब देखना चाहता हूँ। एक्चुअली हम मुफ्त में नहीं खेलेंगे, अगर मैं जीता तो आपको बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके मेरे साथ भी एक गेम खेलो। 1 2 3 टर्न 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 टर्न, बेबी कम ऑन कैच मी। क्लैप्स की आवाज तो यहाँ से आ रही थी, लेकिन मैंने क्लैप नहीं किया। यहाँ जरूर गड़बड़ है, उस रात मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था। खैर ये सब छोड़ो, बाकी लोगों को देखते हैं। हाँ चलो। राजेश क्या? राहुल क्या हुआ? क्या ये तू? महेश क्या हुआ? प्लीज ये गेम अब यहीं पर स्टॉप करते हैं। समथिंग इज हैपनिंग हियर। ओके, रसगुल्ला कहाँ है? ए पता, चल देखते हैं।
आशा आशा इतनी जल्दी यहाँ से कौन पास हो गए? तब मुझे क्या करना है, कोई भी होने तो अब अगली बार आएगी तो लपक से पकड़ लूंगा उसको। रसगुल्ला 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 अरे अरे क्या हुआ यार, तुम सब लोग खेल छोड़ के मुझे ढूंढने के लिए क्यों आ, क्या बात हो गई? आशा सच सच बताओ, इस घर में कोई गड़बड़ है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। ए, पता है उस दिन क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। भी ना, वो बात इनको पता नहीं चलनी चाहिए। Really, it was a nice hug. Yeah, yeah. You know, but I want something more than a hug. हाँ, sure, sure. Why not? ये दरवाजा कौन नॉक कर रहा है? अरे यार तू दूर खड़ा रहना, मेरे पास क्या है तेरा बार बार? क्या हुआ मेघा? मेघा क्या हुआ? अरे लाइट फिर से गई। मैंने किसी को देखा वहाँ पर? तुमने डर क्यों गई? तुमने ऐसा क्या देखा? सच में कोई है? I swear. इस घर में कोई भूत है, मुझे डर लग रहा है। तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। ये बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ बेटर है। हाँ चलो दूर रह। हाँ आ गया। धीरे चलो, आराम से। डोंट पुश, आराम से। मुझे बहुत डर लग रहा है। महेश देखो, कैंडल हमें फॉलो कर रही है। लाइट चली गई तो क्या हुआ? फ्यूज खराब हुआ होगा। चलो देख लेते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। तुम मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है।
संभाल। अरे जा रही है, अरे कोई रोको उसको, मेरी जान जा रही है। उस कलमुही को जाने दे, मैं तेरे पास में हूँ ना। आशा को कोई रोक। अरे छोड़ दे, बोला ना एक बार छोड़ ना। मेरी आशा जल्दी से वापस आ जाए। कट कट कट। व्हाट हैपेंड? तुमको दिखाई नहीं दे रहा? शूटिंग चल रही है और बीच में घुसा है। अच्छा तो ये शूटिंग हो रही थी क्या? सारा टेक खराब कर दिया तुमने। हाँ, पूरा सीन फिर से शूट करना पड़ेगा। हटो यहाँ से। सॉरी सर। गेट लॉस्ट। जाने दो। मूड खराब कर दिया सारा। सिगरेट भी खत्म हो गई। अब टेक नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं। ये तो अच्छा जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आया ये अरे भूतनी के, वो भूतनी नहीं थी, शूटिंग चल रही। इसको गधा मत बोलो। ठीक है ठीक है, लाइट आ गई है, चलो अंदर चलो। चलो 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 अंदर। रसगुल्ला, तू मेरे पास आया तो पावर भी आ गया। लेकिन क्या फायदा, तेरा तो फ्यूज ही नहीं है। तेरी रानी तू मेरा राजा। टिक 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 टिक। मैं इसकी तरह क्यों चल रहा हूँ? No. I'm really sorry. Please. I'm sorry. You know, I'm very much disturbed. Very much. लेकिन मुझे फिर भी डाउट हो रहा है। आज रात जग के फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। माइंड इट। आशा। अरे आशा, एक ब्रेकिंग न्यूज है और वो तुम्हें सुननी पड़ेगी। क्या है बता? वो सिंगल रोल नहीं है, डबल रोल भूतनी है। मैंने अभी उसको देखा है। तुमने देखा ना तो इग्नोर करो, मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ। अरे आशा सुनो तो। अरे आई, मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो? ठीक है जाने दो, मैं जा रहा हूँ। उस कलमुही आशा को पटाना छोड़कर एक बार मेरे कमरे में चलो ना, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही बसते हो राजा। ओ मैडम, बाथरूम में कितना टाइम लगाओगी नहाने में? अब आ भी जाओ। बस 5 मिनट में आ रही हूँ। 5 मिनट में? जब तक फेसबुक के मैसेजेस देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब आइए ना, ये बेचारी बाथरूम में नहा रही थी, अचानक गिर गई, तब से बेहोश है। देखिए कुछ टैबलेट्स इन्हें दे दीजिएगा, ठीक हो जाएंगी। ओके ठीक है। चलिए सर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। तांत्रिक को बुलाना चाहिए था, इन्होंने डॉक्टर को बुला लिया। इन मामलों में डॉक्टर क्या करेगा? अरे अरे डॉक्टर साहब, आपका स्टेथोस्कोप यहाँ पर गिर गया है। मेरा स्टेथोस्कोप तो मेरे पास ही है। आपके पास है तो फिर ये डालू क्या? ओके, तुमको डालू? थैंक यू। लो ना। तमन्ना, तमन्ना थोड़ा मुझे भी दो ना। तमन्ना नहीं, ऐसा मुझे ही लग रहा है। तमन्ना क्या हुआ, चाहिए? ए सुनो, तुम्हें दू क्या? मैं हूँ ना, दूंगी तुम्हें। लो ना, मैं खुद ले लूंगा। तुम ऐसा ही करते हो, चम्मच गिरा के हरियाली देखते हो। मुझे भी देखा करो ना, मैं उठाती हूँ। तुझे उठाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा मैं खुद उठा लेता हूँ। तू जा यहाँ से। अरे यार, अरे आजा आजा आजा। चम्मच अपने आप चलने लग गया, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ रे? चम्मच चम्मच उठाना है। चम्मच नहीं उठा पा रहे हो तो और क्या उठाओगे? ओहो, ये क्यों मेरा बार बार पचका करती रहती है, पता नहीं इसको कैसे पटाओ। अरे इसने तो चम्मच आसानी से उठा लिया। आशा जी सुनिए तो,
अरे बाप रे। आशा जी सुनो, सच बता, इस घर में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? मैं कई सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, पर इस घर में आने के बाद मुझे बहुत कुछ हो रहा है। इस घर में मुझे एक नहीं बल्कि दो दो दिख रहे हैं। रसगुल्ला, तुम कौन? ये कहाँ से आ गया? इसे कौन बचाएगा? यार रसगुल्ला यार, ऊपर को मैं आ रहा हूँ। आशा जी सुनो, आशा जी कुछ तो गड़बड़ है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ए राहुल, तुम जाकर देखो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे, मुझे भी डर लग रहा है। राहुल, इतनी रात को कौन होगा? कोई भी नहीं है। ये तो मच्छर था। अरे ये आवला आवला के चक्कर में तो नींद भी नहीं आ रही है। अब क्या करूं, ये आवला आवला तो मेरे पीछे ही पड़ गई। हे भगवान बचा लो मुझे, ये सच है कि वह मैं? पता नहीं। राजेश, एसी बंद हो गया है, जाकर देखो ना। सो जाना यार, परेशान मत कर, गर्मी लग रही है। विंडो खोल ले। तुम जाके खोलो ना, मुझे नींद आ रही है, तू जाके खोल। यहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे यहीं पे हैं? सभी बाहर बैठे हैं, हम भी चलते हैं। क्या हुआ, तुम सभी यहाँ पर बैठे हो? थोड़ी देर पहले ये भी अंदर डर गई थी। राजेश, मैं डोर ओपन करने गया था, डोराई से मुझे डरावनी आंख दिखी। हाँ, मैंने भी चेयर टर्न होते हुए देखी थी। हाँ यार, मुझे भी हॉल के कोने में भूत नहीं, मैंने भी देखा, मेरे बेड पे भी एक लड़की बैठी थी। क्या बाथरूम में मैंने भी ग्लास ब्रेक होते हुए देखा। At any cost, कल हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे तो इन बातों पे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारा फोन बज रहा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम देखना जाके। सुनो, रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे आशा, कहाँ जा रही हो? रुको, मैं भी चलता हूँ। अरे मैं क्या करूँ, रसगुल्ला, दो लड़कियों के साथ तू अकेला है, अकेला नहीं छोड़ूंगी, आ रही हूँ मैं। रसगुल्ला, कट हो गया, लगता है कोई मिस्ड कॉल मार के परेशान होगा, कोई उसका पुराना दीवाना आशिक। चलो देखते हैं।
दरवाजा खोलो चित्रा। दरवाजा खोलो चित्रा। चित्रा क्या हुआ? चित्रा दरवाजा खोलो। चित्रा दरवाजा खोल। चित्रा चित्रा दरवाजा खोलो। क्या हुआ? चित्रा 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 क्या हुआ? दरवाजा खोलो चित्रा। तुम ठीक तो हो? आखिर बताओ बात क्या है? दरवाजा चित्रा क्या हुआ? सुनाई दे रहा है? चित्रा दरवाजा खोलो। तुम्हें सुनाई दे रहा है? मुझे अब समझ में आ रहा है इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास इसकी डुप्लीकेट चाबी है। जल्दी चलो। चित्रा चित्रा दरवाजा तो खोलो। इस सिचुएशन में भी गाना चित्रा 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 क्या हुआ? चित्रा पेशेंट कौन है यहाँ पे? आइए डॉक्टर। ये रही, ये देखिए, ये नई पेशेंट है आपकी, देखिए। कूल कूल। मैं भी चेक कर रहा था। नथिंग टू वरी, मैं कुछ टैबलेट्स दे देता हूँ, इससे ये ठीक हो जाएगी, ठीक है? अरे डॉक्टर साहब कोई टेंशन नहीं है, ये तो बस हौला हौला का इफेक्ट है। व्हाट इज हौला हौला? मैं आपको बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाओगे, फिर आपको होश में लाने के लिए आप पर ट्रीटमेंट करने के लिए दूसरा डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। बात को समझा करो ना। ये उठेंगी तो इन्हें कुछ खिला दीजिए। खिला देंगे, खिला देंगे। अरे ऐसे कैसे, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, ऐसे ही बोल के निकल जाते हैं। ठीक है, देख लेंगे। ए तू चुप रह, अब हम सब टेंशन में और तू फालतू बातें कर रहा है। अब यहाँ एक मिनट भी हम नहीं रुकेंगे, अभी निकलेंगे यहाँ से। चल चल जल्दी कर, जल्दी कर यार। सब सामान तो रख दिया ना, चल कर। चलो मैडम मैडम जल्दी करो। ए रसगुल्ला तू नहीं चलेगा क्या? रसगुल्ला मेरे पास ही रुकेगा। आशा आएगी तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो यही रहूंगा। मैग्नेट लोहे से जैसे चिपक जाता है, वैसे ही रसगुल्ला भी चिपक गया है। जाने दो ना, हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। चलो छोड़ो मैं, चलो। क्या हो राहुल, क्या हो गया? अरे जल्दी स्टार्ट करना भाई। जल्दी करो यार, चालू नहीं हो रही है। अरे क्या हुआ? करना स्टार्ट, राहुल गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? नहीं हो रही। तब तो डेफिनेटली ये आवला आवला का काम है। हाँ आशा जरा इधर आओ ना। स्टार्ट कर, स्टार्ट कर एक बार और। स्टार्ट नहीं हो रही यार, देख ट्राई करके देख। सुनिए आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बगल में ही एक ट्रैवलिंग एजेंसी है, मैं वहाँ कॉल करती हूँ। ठीक है चलो। आराम से। हेलो हेलो, मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ जी मैडम बोलिए। अर्जेंटली मुझे एक कैब चाहिए बैंगलोर जाने के लिए। सॉरी मैडम, सारी गाड़ियाँ शहर के बाहर गई हुई हैं, आने में 3-4 घंटे लगेंगे मैम। अब ठीक है। ओके मैडम, लगता है बारिश ठीक है। हाँ। क्या हुआ? देखो कैब आने में 7-8 घंटे लग जाएंगे, तब तक आप सब लोग अंदर चलिए। ठीक है तब तक हम रुकते हैं, लगता है बारिश होने वाली है। चलो ओह माय गॉड, वापस हम अंदर जाएंगे। एंटर द ड्रैगन पार्ट 2। सुनो ना, तुम तो कभी पार्ट 2 बनाते ही नहीं हो, चलो आज बनाते हैं, आओ ना। पागल क्या, अंदर जाने तो तेरे साथ कोई घटना घट जाएगी, जब देखो चिपकता रहता है यार। चल ना, ये हो क्या रहा है यार। Thank you.
बार ये भूतनी मुझे ही क्यों दिखाई देती है? पता नहीं मेरे साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा। रसगुल्ला आओ यहाँ बैठो ना। अरे तुम मुझसे दूर रह यार। इलीलो खेलेंगे। रसगुल्ला मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, डैडी तुझे कॉल करेंगे तो बताना। भूतनी को पॉलिटिक्स से डराएगा क्या? वो तो तेरे पापा से भी डेंजर है। ए फालतू बातें मत कर, जैसा बोला है वैसा कर। आशा एक ग्लास गर्म पानी मिलेगा क्या? ठीक है ना, बोलो ना एक बार। आशा आशा अरे रसगुल्ला अरे आशा सुनो तो तू बैठा है चुपचाप। आशा फिर से धक्का मारा, हमेशा गलत जगह धक्का मारता है। हाँ हे भगवान मुझे बचा ले रे। अरे अरे तू नहीं सुधरने वाला, क्या कर रहा था? अरे यार वो क्लैप कर रही है और ये स्लैप कर रही है, क्या हो रहा है? ये क्या स्टेथोस्कोप यहाँ किसने रखा? किसने रखा होगा यहाँ? ये क्या मेडिकल कॉलेज जाने से पहले स्टेथोस्कोप लेके घूमने लगी? मेडिकल ज्वाइन करूंगी तभी तो लिया है। अरे ये स्टेथोस्कोप नहीं बल्कि सांप है, ये हार्ट बीट चेक करने वाला नहीं, हार्ट बीट रोकने वाला है। इसे फेंक दो इसको। तू भी ना फिर बकवास कर रहा है। तुम मुझे चेक कर लो ना। मारू क्या तेरे मुंह पे? सुनाई दे रही है ना? मुझे तो सुनाई दे रही है। तब तो सही है, हार्ट बीट सुनाई दे रही है। मेघा तू जरा चेक करके देख। हाँ मुझ पे करो। क्या सुनाई दे रहा है? हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही। ये तुम क्या बात कर रही हो, अच्छे से चेक करो ना। हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही। क्या हुआ? कल सुबह का सूरज सुनाई दी क्या? तीन लोग नहीं देख पाएंगे। क्या हुआ बोलोगे भी? क्या हुआ बोलो ना। ये प्रिया प्रिया क्या लगा रखा है? इस घर में जो हमें डरा रही है वो प्रिया ही है। प्रिया यहाँ? अरे राहुल तुम्हारे डैडी फोन कर रहे हैं तुमको। हाँ मुझे दिन में बात करना है, पूछता हूँ क्या हुआ। हेलो डैड। क्या हुआ बेटा? वी आर इन ट्रबल डैड। व्हाट? इस घर में कोई आत्मा है। आत्मा? कौन? और वो कोई और नहीं, हमारे कॉलेज की प्रिया है। प्रिया? उसने तो तीन दिन पहले ही सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया? सुसाइड? हेलो क्या हुआ? वो हमारे कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट प्रिया को जानते हो ना? पता है उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? उसने तीन दिन पहले सुसाइड कर लिया। राहुल मुझे भी स्टेथोस्कोप में उसकी आवाज सुनाई दी थी, कह रही थी तीन लोग कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। गायत्री देवी जी मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए प्लीज। क्या हुआ? मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ फॉर्म हाउस गया था, वहाँ उन सबको एक आत्मा परेशान कर रही है। वो आत्मा कोई और नहीं, मेरे बेटे की क्लासमेट थी। प्लीज मैडम कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। Lakshmi Narasimha Namah.
हुआ गायत्री जी? हे भगवान, वो लोग मुसीबत में हैं। हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें अभी निकलना होगा। रमेश भाई, हाँ। उसके माँ बाप को बुला लो। लड़की के माँ बाप को बुलाइए। हाँ, 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 हाँ। बुला लूंगा, आप चलिए। हाँ। आप चलिए। करे यार महेश, यहाँ आकर तो बुरे फंस गए हम लोग। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए। अगर हम लोग यहाँ रुकेंगे तो खतरा और भी बढ़ सकता है, इसलिए निकलो यहाँ से। तुम लोगों को ये आत्मा डराती है, इसका मतलब तुम लोगों ने गड़बड़ की होगी। हाँ हाँ, हम लोगों ने गड़बड़ तो की थी। वो क्या है ना कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो। तुम कुछ मत बोलना, जो चाहिए वो खुद ही बोल देगी, वरना कल सुबह का सनराइज हम देख नहीं पाएंगे। हम तीनों इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाएंगे। रसगुल्ला बेबी, तुम डरो मत। छोड़ यार, वो तुम लोगों की फ्रेंड थी, उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहती है, अगर ये पता चल जाए ना तो वो हमें छोड़ देगी। इसलिए याद करो यार वो क्या चाहती है। अरे ऐसे खड़े मत रहो, याद करो, याद करो क्या चाहती थी वो। मुझे याद आया, कॉलेज फंक्शन में विष्णु सर के फिल्मों के गानों में डांस करने वाली थी वो, और वो सीडी हम तीनों ने छुपा दी थी। अबे थू, अरे क्यों क्यों छुपा लिया, क्यों छुपा लिया, अरे क्यों किया ऐसा बताओ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कौन है रसगुल्ला? कौन है? अरे ये क्या नजदीक आ गया? अरे बोल ना, कोई नहीं। अरे ये क्या सामने आ गया, नजदीक तुम लोगों को दिखाई दे रहा है? उड़ गई क्या? अरे यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, सच में कोई नहीं। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना, मुझे माफ करना। अरे गाड़ी चल रही है, अरे क्या कर रहा है? अरे चूड़ी चली गई, अभी वो कुर्सी पर बैठ रही है। अरे वो देखो कुर्सी पर बैठ गई। पहले स्टार्ट करते हैं, कनाडा वाले विष्णु सर को कौन सा अवार्ड मिला था? अरे ये कौन से अवार्ड की बात कर रही है? कौन सा अवार्ड, कौन सा अवार्ड? साहस से माँ, उसके गाने गाओ। साहस से माँ, कौन सा गाना? ए चलो, ए बाप रे, चलो चलते चलते दिख चुप हो जाओ, अभी तक तो ऊपर ही थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तू जरा छुप के रह सकता। क्या करूँ, पेट में जो भी दौड़ रहे हैं। किचन का सामान कहाँ गया? क्या हुआ? मेरी डैड आ गए। अच्छा हुआ तुम्हारे डैड आ गए यार, अब हम लोग बचेंगे। तुम्हारा वो गुड़ भाई कहाँ चला गया? मेरा उससे मन नहीं भरा क्या? वो चला गया तो मेरा रास्ता साफ हो गया। अरे वो देख सामने आ गए, मेरे सामने तो है। ये तो छोटी कुमारी है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देखना ऐसे कुमारी है। राजन जल्दी 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 करो। सर दरवाजा तुड़वा देते हैं, आप कहे तो एक दो लोग को बुलवा के दरवाजा तुड़वा देता हूँ। नहीं, हाँ इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला। लगता है ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। आजा,
यहाँ अपना कर्तव्य निभाने आई हूँ। जाओ यहाँ से। तुम मेरे बारे में नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। नरसिम्हा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं साहसिम्हा की भक्त हूँ। ए! तुम मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानती हो। मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए अपने मंत्रों से बंधन में बांध सकती हूँ। नहीं बांध सकती हो, मैं सिम्हा की भक्त हूँ, इसलिए तुम्हारे बंधन में नहीं आऊंगी। देखना चाहती हो मैं तुम्हें 10 मिनट में मंत्रों से कैसे बांधती हूँ? भगवान बोली, मैं 10 मिनट के लिए उस आत्मा को बांध रही हूँ, तब तक उन सब बच्चों को तुम बाहर निकलने के लिए बोल दो। ठीक है ठीक है, तब तक मैं मंत्रों का उच्चारण करती हूँ। डैड, हेलो, हे राहुल, 10 मिनट तक आत्मा तुम लोगों का कुछ नहीं कर सकती, इस बीच तुम सबके सब बाहर आ जाओ। हाँ ठीक है डैड। सुनो, डैड ने कहा है 10 मिनट तक वो कुछ नहीं कर सकती, तब तक हम सब लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। याद रहे हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, उतने में हमें बाहर जाना होगा। राहुल पक्का कंफर्म है ना? पक्का, वो कुछ नहीं करेगी ना? मुझे नहीं पता। हाँ एक काम कर, उस स्टेथोस्कोप को उठाकर पहले खुद को चेक कर। ए, तू उठा। मैं नहीं उठाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है ठीक है, मैं उठाती हूँ। अरे आशा तू मत उठा। अब बाप रे, चुप रहो। नहीं आशा, नहीं नहीं, अरे मत करो ऐसा। आशा आशा मत करो ऐसा, नहीं आशा। तो सुनाई दे रही है। हाँ सुनाई दे रही है। हाँ, बताओ बताओ मुझे बताओ। हाँ। दिखाओ। What are you doing? तुम्हारी हार्टबीट चेक कर रहा था, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, तेरे से बाहर निकलने का एक रास्ता है, हम वहीं से निकलेंगे। हाँ चलो 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 ऊपर चलो, चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। भागो 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 भागो, चलो चलो चलो, नहीं तो पीछे से आ जाएगी। अरे ये बंद कैसे? जल्दी करो आशा, जल्दी करो, जल्दी करो आशा, जल्दी करो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये तो मेघा की आवाज है। मेघा हम में से किसी को उसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको मार डालेगी। लेकिन हम कैसे? टाइम खत्म हो रहा है, बच पाएंगे? लेकिन उसे बचाने के लिए किसी को बचाना पड़ेगा। चलो 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 चलो
गायत्री जी, उन लोगों को बुला लो क्या? भगवान, उन सब बच्चों को यहाँ पर बुला लो जल्द ही। तुम देखते रहो, इस आईने में मैं उस आत्मा को कैद करने वाली हूँ। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? और उस आत्मा को बांधते ही देखना, यह आईना पूरी तरह अपने आप नीला हो जाएगा, अचानक, अकस्मात। और अगर यह आईना टूट गया तो आत्मा आजाद होते ही शक्तिशाली हो जाएगी, उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अरे उसका टारगेट हम नहीं है, तीनों है। हाँ, हम लोग सेफ है, हम लोग सेफ है, कुछ नहीं होगा हमको। छोड़ दो उसको, अरे इसको बचाओ नहीं तो मार डालेगी। आखिर मंत्रों से मैंने तुम्हें बांध ही लिया ना। तुमने बहुत बड़ी गलती की है गायत्री जी। मेरा बेटा बच जाएगा ना, उसे बुला लो क्या? मेरी आंखों में आंखें डाल के देख। लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। मैंने बहुत सी आत्माओं को मुक्ति दिलाई है, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही बता रही हैं, और वही बात जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। बताओ क्या हुआ था? बताती हूँ, कहानी तब से शुरू होती है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। नोटबंदी हुए आज 1 साल हो गया, इससे यहाँ लोगों को नुकसान हुआ या फायदा? आज हम कॉलेज कैंपस में हैं। आइए स्टूडेंट्स लोग से बात करते हैं, क्या है उनकी राय। मैडम, नोटबंदी हुए 1 साल हो गए, इससे आप लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नहीं हुआ, पता नहीं। गाइस, नोटबंदी हुए आज पूरा 1 साल हो गया है, इससे आप लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नहीं हुआ सर, मुझे लगा फायदा हुआ है यार। फायदा हुआ है सर। एक्सक्यूज मी, नोटबंदी हुए 1 साल हो गए हैं, इससे फायदा हुआ या नुकसान? इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ, आइए मेरे साथ। इससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है? क्या है? देखिए ये बताएगी ब्रेकिंग न्यूज। मैडम मैडम ये बताइए, नोटबंदी से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? नोटबंदी तो लेट से इम्प्लीमेंट हुई है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले ही हमारे गुरु ने बताया था। क्या बताया था उन्होंने? कौन है आपके गुरु? साहस सिम्हा, विष्णु सर। हाँ, विष्णु सर, उन्होंने ऐसा क्या कहा था? इतनी देर से चर्चा करने के बाद भी आपने कोई फैसला नहीं लिया। 100 रुपए का नोट बंद करके 200 रुपए का नोट आपने छापने का फैसला लिया, लेकिन उसके परिणाम के बारे में आपने नहीं सोचा। ऐसा करने से माफिया को और भी फायदा होगा, इस देश में ब्लैक मनी अब डबल हो जाएगी। तुम्हें सब कुछ आसान लग रहा है? अभी जो लोगों के पास पैसा था उसे बैन करने से लोगों को बहुत परेशानी हुई,
इस नोटबंदी से जनता और सरकार दोनों परेशान है। करेक्ट। वो लोग करोड़ों रुपए देकर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हैं कि गुलामी में हमने क्या क्या सहा है। इसके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, विष्णु सर ने तो कहा था, लेकिन हम अपडेट नहीं हुए। अच्छा, वो जाने दीजिए, नोटबंदी से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मेरी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ब्लैक मनी काफी हद तक सरकार के पास पहुंच गई है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास को बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। नोटबंदी के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रही है, हमें ही कुछ करना होगा अभी। एग्जैक्टली, मैं इसके बारे में राहुल को बताती हूँ। जल्दी पता करो कि राहुल है कहाँ। अब ये किसको फोन कर रही है? राहुल को। हाँ मेघा, बोलो। तुम कहाँ हो? अरे डैडी के साथ हूँ यार। ठीक है ठीक है, तुम जल्दी कॉलेज आ जाओ। क्यों? वो ना आजकल कॉलेज में कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, उसे सबक सिखाना है, जल्दी आओ। अरे ठीक है, सबक ही सिखाना है ना, पर किसे सबक सिखाना? तुम उसे जानते हो, वो है ना विष्णुप्रिया, उसी को। विष्णुप्रिया को? ठीक है, आता हूं। ठीक है, बाय। मेरी बात मान लियो ना, तो मजा आ जाता। ऐसे ही बोल रहा था मैं पहले ही कहा था। वो देख, देखो वहाँ सीनियर्स बैठे हैं। आप मजे लेते लगता है। हाँ देखो मेरा कमाल। हाँ चलना चलना तू जा। हे ब्यूटीफुल, कहाँ है विष्णुप्रिया? सिर्फ मैं दिखाई नहीं दे रहे आजकल प्रिया के फ्रेंड। यकीन मानो हमारी भी फ्रेंड बन जाओ। विष्णु वर्धन की पैन तुम्हारी सहेली की तरह। अरे बापरे, अब क्या करूँ? गुड मॉर्निंग प्रिया, एग्जाम की तैयारियां अच्छी चल रही है ना? हाँ जी मैम। टेंथ में तो तुम पूरे क्लास में फर्स्ट आई थी, इस बार भी तुम्हें पूरे स्टेट में टॉप करना होगा। श्योर मैम। विष्णु प्रिया, पूरे कॉलेज को तुम पर नाज है बेटा। मैं निराश नहीं करूंगी। ऑल द बेस्ट। चे, कहाँ चला गया? अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखा था इसे। ए विष्णु प्रिया, ये कड़ा तुम्हारा ही है ना? ये मैं इसी को तो ढूंढ रही थी, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। ये मेरी जान से बढ़ के है, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा ये तुझे मिला कहाँ? एक लड़का मुझे देकर गया। लड़का कौन है वो? वो देखो वो जा रहा है। अरे यहाँ की हर लड़की मुझ पे मरती है, क्योंकि मैं दिखने में हीरो हूँ। विष्णु सर के बर्थडे के दिन तुम्हारा भी बर्थडे पड़ता है, तुम बहुत लकी हो। हाँ वो तो हूँ। विष्णु सर की मूवी में जो भी मैसेजेस होते हैं मैं अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ, इसलिए आज से हम तुम्हें विष्णु प्रिया बुलाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू विष्णु प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू विष्णु प्रिया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आ अब तो मजा आएगा, बहुत मजा आया। सच कह रहा हूँ, विष्णु प्रिया की वाट लगने वाली है। मेरी सॉन्ग्स की सीडी नहीं मिल रही है। ए प्रिया तुम कहाँ थी? तुम्हारा नाम स्टेज पे अनाउंस हो रहा है। सीडी नहीं मिल रही है यार। अरे यहीं कहीं होगी, ढूंढो अच्छे से। हर जगह ढूंढ ली पर नहीं मिली। मुझे लगता है ये काम उन तीनों का है। ये इन तीन बदमाशों का ही काम है। सीडी के बिना तो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। So sad, इसका चेहरा देखने वाला है। मजा आने वाला, देखना इसका चेहरा, देखना। हौला हौला इनको मजा चखाऊंगी। कहा था ना मैंने, अब मजा आएगा देखना। हाँ पेपर का एग्जाम है, मन भी नहीं लग रहा, माँ को फोन करती हूँ। प्रिया क्या बात है बेटी? हेलो, सब ठीक है ना माँ? सुना है केमिस्ट्री पेपर लीक होने से एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, जिसकी वजह से कॉलेज के स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे हैं, टीवी पे मैंने देखा बेटा। हाँ माँ, केमिस्ट्री पेपर लीक होने से कॉलेज में बहुत बवाल हो गया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। ये सब छोड़ो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है अब? माँ बताओ ना, पापा कहाँ है अब? वो तुम्हारे पापा, बताओ ना माँ, पिताजी को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है प्रिया। ए माँ प्लीज बताओ ना क्या हुआ?
प्रिया, वो तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है बेटा। क्या? मैडम 15,000 आपका बिल है। डॉक्टर, पापा आप कैसे? डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? डोंट वरी, ही विल बी फाइन। जानकी, प्रिया को यहाँ क्यों बुला लिया? कैसी बात कर रहे हैं, इस वक्त आपको हमारी जरूरत है पापा। यहाँ तुम्हारी माँ है ना, अपने स्टडीज और एग्जाम को छोड़कर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था प्रिया बेटा। नहीं पापा, जब से केमिस्ट्री पेपर लीक हुआ है सारे स्टूडेंट्स बहुत हर्ट हैं। जल्दी पेपर अनाउंस हो गया? हाँ यार, डेट अनाउंस हो गई। विष्णु प्रिया सुनो, यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, जाकर अपने एग्जाम की तैयारी करो बेटा। मेरी चिंता मत करो बेटा, मैं अब ठीक हूँ, मेरे पास तुम्हारी माँ जानकी है ना। तुम अभी जाओ बेटा, जल्दी जाओ। टेंशन थी, अपने कॉलेज, माता पिता सबके उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैंने अपने माँ बाप और टीचर के सारे सपने तोड़ दिए। बड़ी जल्दी इसका पेपर खत्म हो गया। ए विष्णु प्रिया, केमिस्ट्री के पेपर में कुछ लिख ही नहीं पाई, एक ही घंटे में सब छोड़ के चली गई। इस साल तो वो पक्का फेल होगी, देखना। यार, केमिस्ट्री पेपर लीक नहीं करवाना चाहिए था तुमको। हाँ, लीक होके अच्छा ही हुआ ना। वो कैसे? हाँ, वो अपनी प्रिया है ना। नहीं, विष्णु प्रिया। वही 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 विष्णु प्रिया ना, एक घंटे में बाहर आ गई वो। इसलिए विष्णु प्रिया का केमिस्ट्री पेपर देखो, विष्णु प्रिया हमारा वीडियो बना रही है। ए, उसको पकड़ो, नहीं तो मेरे डैड को प्रॉब्लम हो जाएगी। रुक, पकड़ उसको। अरे पकड़, कहीं भागने ना पाए। कहाँ गई? कहाँ गई यार? अभी समझ नहीं आ रही। ए, बोली बोली, चल 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 चल। वेरी गुड, अच्छा किया। वीडियो डिलीट हो गया, सारी प्रॉब्लम गॉड, अब कुछ नहीं होगा। चलो राहुल। मोबाइल, एक वही प्रूफ था, अब कहां से लाऊं मैं इनके खिलाफ प्रूफ? इन लोगों ने पेपर लीक किया है, ये बात मैं सबको बताऊंगी, पर कौन मुझ पे विश्वास करेगा? Thank you.
हाँ सर। ये केमिस्ट्री पेपर मेरे बेटे को मिला था, लेकिन ये केमिस्ट्री पेपर बाहर कैसे लीक हुआ? हाँ सर, वो क्या है कि सर, चुप, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मैंने दी थी, हा? और ज्यादा पैसों के लालच में तुमने पेपर ही लीक कर सर, दिया। मुझे माफ कर दीजिए। विष्णुप्रिया दिखाई नहीं दे रही है, शायद लाइब्रेरी में होगी वो। रुको मैं कॉल करके देखती हूँ। उसका फोन आउट ऑफ कवरेज है, चलो वार्डन से चल के पूछते हैं। ठीक है। मैडम विष्णुप्रिया दिखाई नहीं दे रही। वो अपना रूम खाली करके चली गई। हमें तो नहीं बताया उसने कुछ, कहाँ गई होगी वो? आओ बेटी, आ जाओ आ जाओ। अच्छा चलो चलो, अरे अंदर तो चलो। प्रिया पेपर तो अच्छे गए हैं ना तेरे? मुझे पूरा यकीन है मेरी प्यारी बेटी अपने पूरी यूनिवर्सिटी में, मेरी बेटी विष्णु प्रिया पूरे कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाकर मेडिकल सीट लेकर ही रहेगी। पापा, but I'm going to fail. इतनी उदास क्यों दिख रही हो बेटी तुम? कुछ नहीं पापा, जैसे जैसे रिजल्ट की डेट नजदीक आ रही है मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे माँ बाप का मुझे डॉक्टर बनाने का सपना चूर चूर हो जाएगा। मेरा पास होना मुश्किल है, क्या करूँ, बहुत असमंजस में हूँ। विष्णु सर कुछ तो हेल्प करिए मेरी। खाना खाने के बाद यहाँ आकर बैठी हो विष्णु प्रिया? बेटी एक बात ध्यान में रखना, कभी हार मत मानना, क्योंकि तुम डेरिंग बाज हो विष्णु प्रिया। हाँ वो भी ऐसी करते हैं पापा, दिखाओ। अच्छा खाना खाने के बाद आपने टैबलेट तो लिया ना? ले लिया है डॉक्टर साहिबा। ठीक है चलिए मेरे साथ। बस बस माँ अभी लीजिए। मैं खिलाती हूँ आपको। देखो बेटी खिला रही है। और मुझे? हाँ खिलाती हूँ ना। ये मैं खिलाता हूँ, ये लो। तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो विष्णु प्रिया। कैसा बना? बहुत स्वादिष्ट बेटी, बहुत अच्छी। बेड नंबर 8 का पेशेंट सीरियस है, डॉक्टर को बताती हूँ। अच्छा। मिस नंदिनी, बेड नंबर 8 के पेशेंट को ग्लूकोज का ड्रिप चढ़ा दो। ठीक है डॉक्टर। जानकी, बहुत ही ज्यादा नाजुक है। अपनी विष्णु प्रिया इस ड्रेस में कैसी लगेगी? ठीक है मैं आपके साथ चलूं। ओके। बहुत अच्छी लगेगी। पापा मेडिकल कॉलेज जाने के बाद मैं कैसी लगूंगी पता है? मुझे कैसे पता होगा बेटा। एक मिनट। हाँ अब क्या कमाल करने वाली है जी, मुझे क्या पता। कैसे पापा? तू नहीं समझेगी बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। अच्छा जब मैं पैदा हुई थी तो आप खुश हुए थे, पर उससे ज्यादा खुशी आज मुझे हो रही है पापा। मिस्टर संपत, यस डॉक्टर, नेक्स्ट टाइम विष्णु प्रिया यहाँ हो या ना हो, आपको टाइम टू टाइम टैबलेट लेनी होगी और डॉक्टर के पास चेकअप कराने भी जाना होगा। ठीक है डॉक्टर, ये सलाह तो मैं मान लूंगा, लेकिन दवाइयों का क्या? मतलब मैं केस स्टडीज और मेडिकल के लिए बाहर चली जाऊंगी ना पापा, तो आपको अपना ख्याल और अच्छे से रखना होगा। समझ गया? तू ही मेरी डॉक्टर बिटिया है।
फिजिक्स में मुझे 93 मार्क्स मिले। सारे सब्जेक्ट में भी 90 अबव है। केमिस्ट्री इसमें मुझे बस 20 मार्क्स मिले हैं। मैं डेफिनेटली फेल हो जाऊंगी। कल रिजल्ट मेरे हाथ में होगा। मैं अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा डॉक्टर बनने का सपना और माँ बाप की उम्मीदें दोनों टूट जाएंगी। विष्णु सर, मुझे माफ कर दीजिएगा। सुसाइड करना बिल्कुल गलत बात है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी से मैं बात कर लूंगा और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़वा दूंगा। हाँ, ओके, थैंक यू। सुनो राहुल, विष्णु प्रिया तो फेल हो गई। प्रिया नहीं, विष्णु प्रिया। वही तो यार, विष्णु सर के नाम पे बहुत उछल रही थी, आखिर हुआ क्या? फेल हो गई ना। उसे लगा विष्णु सर उसकी हेल्प करेंगे। गलती कर दी। मैं सुसाइड नहीं करना चाहती थी पापा। क्वेश्चन पेपर लीक होने से मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद हो गई। नहीं पापा, मैं अपने कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस नरसिंह भगवान की कृपा से तुझे मुक्ति मैं दिलवाऊंगी प्रिया। त्रिजी, आपका क्या आदेश है?
उन लोगों को बुलाऊं क्या? भगवान, माफी 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 चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने कौन सी गलती की थी? तुमने क्या गलती की थी ये तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या तुम नहीं जानते? अगर तुम गलती मान लेते हो तो प्रिया को मुक्ति मिल सकती है। ये नरसिम्हा का आदेश है। हाँ ठीक है गायत्री जी, ठीक है गलती सुधार लेता हूँ। प्रिया को मुक्ति दिलवाने चली है। ए, कौन है वहाँ? प्रिया के माँ बाप को लेकर यहाँ आओ। मिस्टर, मुंह क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? चल बैठ, बैठ के पूजा कर, चल बैठ के मंत्र पढ़। और मंत्र विष्णु सर, आपके भक्त के साथ अन्याय हो रहा है, मदद करिए मेरी, प्लीज मदद कीजिए। विष्णु प्रिया के साथ सही नहीं किया, अब जो किया है उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। चल चल, नहीं छोड़ेगी नहीं वो। हमें माफ कर दो, हम भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट्स ही हैं। हमें माफ कर दो विष्णु प्रिया, हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। विष्णु सर, इसे कहिए हमें छोड़ दे। विष्णु सर, सर हमारे गुनाहों को माफ कर दो प्रिया। अगर तुझे मारना ही होता तो बहुत पहले ही मार देता, लेकिन ये मेरे संस्कार नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। विष्णु सर की मूवी में जो भी मैसेजेस होते हैं मैं अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ। अरे चलिए चलिए आपको सजा मिलनी चाहिए। रुक जा, ओम लक्ष्मी, बड़ी गलती की है। ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। आप यही रहिए, जाइएगा मत। ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। सबके माँ बाप सपने देखते हैं कि उनके बच्चे बड़े होके उनका सपना पूरा करें, लेकिन बच्चे वो सब भूल के अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं और वो बच्चे सुसाइड करके अपने माँ बाप के साथ अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। पापा, बेटी, बेटी, मेरी बेटी,
मेरी बेटी जानकी। आपको मैंने बहुत दुख पहुंचाया है, आप मुझे माफ कर दीजिए पापा। विष्णु सर, मैं आपकी फैन थी, आपसे इंस्पायर हो गए, बहुत कुछ करना चाहती थी पर मायूस होकर खुदकुशी कर ली, आप मुझे माफ कर दीजिए सर। बेटी, विष्णुप्रिया, हमने रिजल्ट को रद्द करवा दिया है, अब हम ईमानदारी से पढ़ के पास होंगे और हमेशा ईमानदार ही रहेंगे। उसकी वजह से ही हम सब में ये बदलाव आया है। द ग्रेट विष्णुप्रिया। मेरे प्रिय भारतवासियों, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आपके जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए, आप कभी आत्महत्या मत करना। आपके आत्महत्या करने के बाद आपके माँ बाप पर क्या बीतती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी में आपको एक बार असफलता मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इम्पॉसिबल को ध्यान से देखे तो उसमें भी आई एम पॉसिबल है। मैं हर माँ बाप से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि अगर आपके बच्चे एग्जाम्स में फेल हो जाएं, तो उनके साथ खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाएं, ना कि उनको डांटें, क्योंकि आपने भी कभी अपनी लाइफ में असफलता जरूर देखी होगी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना कर सके। माँ बाप अपने सपने अपने बच्चों पर न थोपे, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को संघर्ष करना ही पड़ता है। जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं।